नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में बाजार देखने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से स्वप्न ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियां लाते रहें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सपने में बाजार देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम सभी लोगों को सपने में बाजार अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। कोई अपने सपने में बाजार देखता है तो कोई अपने सपने में बाजार घूमते हुए देखता है। उसी तरह से दोस्तों, कई लोग अपने सपने में यह देखते हैं कि वो बाज़ार से सामान खरीद रहे हैं तो कई लोग अपने सपने में यह देखते हैं कि वो बाज़ार घूम रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई लोग अपने सपने में बाज़ार में खुद को सब्जी बेचते हुए भी देखते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम सभी लोगों को सपने में बाज़ार अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई दे सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सपने में बाज़ार दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में बाजार दिखाई देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे सपना यह संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सपना आपको इस बात का भी संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव सकारात्मक रूप से हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा सपना आपके मान सम्मान के बढ़ने का भी संकेत करता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने सपने में बाजार देखा है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में जल्द ही कोई सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वप्न ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।